जैसे कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा, हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था विद द ओला इलेक्ट्रिक द मू ओएस 3, जो इनका न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो काफ़ी कुछ चेंजेस और काफ़ी कुछ फीचर्स लेके आया है इनटू द ऑलरेडी यू नो फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक स्कूटर। आज हम इनको टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे कितना एफिशिएंट है, कितना रिस्पॉन्सिव है, कितना फास्ट है इनका सर्विस, रोड साइड असिस्टेंस, आपके घर पे सर्विस प्रॉमिस तो करते हैं ओला इलेक्ट्रिक, लेकिन वाकई में ये एफिशिएंट है या नहीं है आज हम जानेंगे। और लकीली या अनलकीली हमारा जो लीवर है, जो लेफ्ट का ब्रेक लीवर है, वो भी टूटा हुआ है। ये गाड़ी खड़ी थी इस पार्किंग में और कोई इसको तोड़ के गिरा के गया, तो इसको भी रिप्लेस करेंगे। तो ये तो एक बहाना है, हमें जानना है कि कितना अच्छा है, एफिशिएंट है ओला इलेक्ट्रिक का सर्विस। देखते रहिए मोटर वर्ल्ड इंडिया फॉर नोइंग ओला इलेक्ट्रिक सर्विस। आपको ये अगर स्कूटर लेना है तो सर्विस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जानेंगे आज अबाउट इट। रोड साइड सर्विस, रोड साइड असिस्टेंस के लिए हमने एक कॉल रेज किया था विद ओला इलेक्ट्रिक, उनका ऐप यूज़ करके हमें उसका एक टोकन नंबर आया है और हमारे साथ में आ गए हैं ओला का जो सर्विस वैन है। आपके घर पे आएगा ये सर्विस वैन, अब ये हम आगे ले जाएंगे, सर्विस जो करेंगे वो गाड़ी के अंदर होगा। ये ओला का रोड साइड असिस्टेंट सर्विस वैन है, आइए आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है। हमारे साथ चेतन जी हैं और अली जी हैं, ये करेंगे सर्विस और जो उसका लीवर चेंज करना है वो करेंगे। तो गाड़ी यहाँ पे अंदर जाएगी, द व्हीकल विल बी टेकन इनसाइड ओवर हियर, और जो भी रिपेयर करना है, ये इनका ऑन व्हील सर्विस सेंटर है, आपकी गाड़ी यहाँ पे रिपेयर होगी, सर्विस होगी। तो एफिशिएंट तो है अब तक ओला का सर्विस, हमारे घर तक आ गई है ये गाड़ी, तो लेट्स गो अहेड। अपना पासवर्ड कभी शेयर नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं एंटर करूँगा पासवर्ड मेरा। गाड़ी जाएगी अब ओला सर्विस वैन के अंदर और हम देखेंगे ये क्या जादू करते हैं अपने जादुई गाड़ी में। जैसे पेशेंट को ले जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में, वैसे ही इस गाड़ी को ले गए अंदर ऑपरेशन थिएटर में। जैसे फैमिली मेम्बर को एंट्री नहीं होती, वैसे ही कस्टमर को अंदर एंट्री नहीं होती, लेकिन आपको दिखाना जो है सर्विस, तो हम अंदर जाने का हमने इनको रिक्वेस्ट किया हुआ है स्पेशली। तो सर्विस वैन के अंदर कुछ ऐसा है, इनके सारे टूल्स हैं, इनका जो सारा एक मिनी सर्विस सेंटर बन चुका है ये, यू नो अंदर। अब पहले तो इसका जो लीवर है वो चेंज करेंगे, ये जो लीवर टूटा हुआ है, ये जो आप देख पा रहे हैं दिस, ये क्रैक हो गया, ये गिर गया पार्किंग में। बाकी तो एक नॉर्मल चेकअप करेंगे, रूटीन चेकअप करेंगे हम, कितना एफिशिएंट है इनका ऑन मोबाइल यू नो ऑन रोड साइड असिस्टेंट सर्विस, वो हम दिखाना चाह रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक S1 Pro हमारे साथ कुछ वक्त से है, फॉर सम टाइम हम इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब से ये गाड़ी मेरे पास आई है, जो मेरा रेगुलर स्कूटर है, जो इंजन वाला स्कूटर है जो चलता है पेट्रोल पे, उसको मैं भूल चुका हूं और यही मेरा प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, प्राइमरी मोड ऑफ कम्यूट है, मेरा ही नहीं मेरे घर वालों का भी। दे आर जस्ट लविंग द वे द यू नो ओला इलेक्ट्रिक हमें सर्विस दे रहा है या हमारा यू नो डेली यूज़ में काम आ रहा है। तो जब ये गाड़ी वापस जाएगी, हम मैं इसको काफ़ी मिस करने वाला हूँ फॉर श्योर। गाड़ी चलने में काफ़ी अच्छी है, इट इज़ वेरी रिलायबल एंड एफिशिएंट। मैंने तो कोई इसमें प्रॉब्लम या कोई यू नो देर इज़ नो इश्यूज़ जो मैंने फेस किए हैं विद दिस व्हीकल। अगर आप टच स्क्रीन की बात कर लो या इसका जो स्विच गियर है, इसके जो स्पीकर्स हैं, इसका जो एक ओवरऑल लुक है, इसका जो डिक्की है, जो इसका की USP है, वो है इसका बूट। जब ये काम कर रहे हैं, मैं आपको एक क्विक वॉक अराउंड दे रहा हूँ। इसका जो चार्जिंग का जो सॉकेट है वो यहाँ पे है, टेल लैम्प
एवरीथिंग फील्स एंड लुक्स वेरी नाइस। यहाँ पे इसका जो फुट बोर्ड है, यहाँ पे एक थोड़ा एक जो इसका चेसी का इंट्रूजन है वो है। अगर ये होता फ्लैट तो आई कुड हैव केप्ट मोर सामान ओवर देयर, मे बी लाइक एन एक्टिवा और एनी अदर स्कूटर। लेकिन ओवरऑल पेट्रोल पंप जाने का मुझे जो सुख था या दुख था वो अब नहीं है। आई नीड नॉट गो टू द पेट्रोल पंप एट ऑल। ये सर्विस करते रहेंगे, ये इसका लीवर चेंज कर रहे हैं और चेकअप करेंगे। इनको खोलने के बाद हम आपको मैं दिखाता हूँ। ₹5,000 किलोमीटर्स का आपको वारंटी मिल जाता है, जिसमें कि आपके ब्रेक पैड्स भी आते हैं। तो अगर 5,000 किलोमीटर्स के अंदर आपको लगे कि आपका ब्रेक पैड्स घिस गए हैं या गल गए या ख़त्म हो गए, तो आपको वारंटी में ये मिल जाएंगे बदल कर। हमें तो कोई इशू फेस नहीं किया अबाउट ब्रेकिंग, फिर भी ये एक रूटीन चेक करेंगे, एक चेक रन करेंगे। ये इसका फ्रंट पैनल खोल रहे हैं, जो इसके डिस्प्ले के नीचे जो हैंडल का पैनल है उसको खोल रहे हैं। उन्होंने गाड़ी को पहले ऑफ कर दिया है। सर्विस का कोई ऐसा इंटरवल नहीं है कि यू नो, एक नॉर्मल रेगुलर स्कूटर में जो आप सर्विस इंटरवल आप गाड़ी को सर्विसिंग के लिए ले जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि आपके गाड़ी में आपको सर्विस की ज़रूरत है और कोई आप इशू फेस कर रहे हो, तो फिर ये खुला इसका खोपड़ी, जो इसका हैंडल का जो अपर पैनल है, ये है टूटा हुआ जो लीवर है, इसको अब रिप्लेस करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको बनाया हुआ है, इसको पैक किया हुआ है, इसको सील किया हुआ है। ये जो डिस्प्ले है, जो आप समझते हैं कि इसमें पानी जाएगा, लेकिन ये भी IP रेटेड है, इसमें पानी नहीं जाता। ये भी सील किया हुआ है फ्रॉम ऑल द साइड्स। हैंडल बार, इसका हेडलैम्प, LED के हेडलैम्प है, ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प। जो कंपोनेंट्स यूज़ किए हुए हैं वो काफ़ी एक हाई क्वालिटी के कंपोनेंट्स यूज़ किए हुए हैं। ये फिट एंड फिनिश जो है, हम यू नो जान रहे हैं, इसको महसूस कर रहे हैं। इनको अपना काम करने देते हैं, हम थोड़ा आगे जाने के बाद इनको मिलते हैं। ये है वो रेयर मास्टर सिलेंडर ब्रेक लीवर जो लगेगा अपने गाड़ी में। 538 का MRP है। ऑलवेज यूज़ ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स, हम ऑलवेज रिकमेंड करेंगे कि आप कोई थर्ड पार्टी या कोई वेंडर वाला माल ना यूज़ करें, ऑलवेज यूज़ जेन्युइन। तो इसमें आपको थोड़ा एक GST वगैरह थोड़ा टैक्स लग जाएगा, बट ओरिजिनली यूज़ कीजिए। मास्टर सिलेंडर लिखा हुआ है क्योंकि आपको ओला इलेक्ट्रिक जो S1 प्रो है, इसमें आपको फ्रंट में और रेयर में डिस्क ब्रेक मिलता है, इसीलिए वो मास्टर सिलेंडर का जो ये है मास्टर सिलेंडर, इसमें ऑयल आता है फॉर योर डिस्क ब्रेक। फ्रंट और रेयर में ये आपका फ्रंट का है, ये रेयर का है, और ये शख्स जो है वो देख रहे हैं कि ये सर्विस कैसा हो रहा है। ये काफ़ी नया चीज़ है, समथिंग वेरी न्यू इन इंडिया, कि आपके घर पे आके यू नो आपकी स्कूटर रिपेयर हो रही है, सर्विस हो रही है। इनफैक्ट हमें भी काफ़ी एक यू नो वी आर गेटिंग अ वी आर फीलिंग अ वेरी डिफरेंट एक फील आ रही है। वरना हम जाके नंबर लगाते हैं हमारे होंडा के शोरूम में, सुजुकी के शोरूम में, और फिर वेट के बाद में आपकी गाड़ी ली जाती है, और हम सर्विस का जो ऑन द व्हील है उसके अंदर खड़े हैं विद स्पेशल परमिशन, वरना ये अंदर अलाउ नहीं करते कस्टमर को। बट आपका स्कूटर जो है इट्स इन सेफ हैंड, वो मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ। देखते हैं ये लीवर जब चेंज होगा। ये निकला टूटा हुआ लीवर, तो जिन्होंने भी ये लीवर तोड़ा है मेरे स्कूटर का, मैं आपको माफ करता हूँ, जाने दो, भूल चूक माफ कहते हैं, वैसा माफ कर देते हैं उनको। और ये चेतन जी नया लीवर लगाएंगे, थैंक यू चेतन जी।
हमें बताते हैं ओला की ये जो मेन जो इनका सर्विस वैन है ये हर एक रीजन में इनको डिवाइड किया हुआ है, मुंबई है, रायगढ़ है, ऐसे अलग अलग डिवीजन में। जब आप सर्विस कॉल रिकॉर्ड करते हो, प्लेस करते हो, तो आपका जो मेन बैंगलोर में इनका हब है, इनका हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पे जाता है आपका कॉल। उसके बाद में जो आपका एरिया है, सिटी है, वहाँ पे ये फॉरवर्ड किया होता है, और जो भी नियरेस्ट आपकी जगह है, आपका लोकेशन, आपका जो जहाँ पे गाड़ी खड़ी है या आपका होम का लोकेशन है, तो वहाँ पे इधर ये जो अगर मेजर सर्विस है तो आपको ये पूरा वैन आ जाएगा, या फिर अगर ये एक नॉर्मल सर्विस है या फिर जहाँ पे गाड़ी नहीं पहुँच सकती जल्दी में, तो इनके जो सर्विस इंजीनियर हैं वो आ जाएंगे एक दूसरा ओला लेके आपको, लेकिन सर्विस मिलेगा ज़रूर, ये इनका एश्योरेंस है, ये इनका वादा है। ये लीवर लग चुका है, अभी इसको एक टेस्ट करेंगे अभी, और उसके बाद में इसको रीफिट करेंगे, क्लोज करेंगे। हमें बताया गया है कि 3 इयर्स का 30,000 किलोमीटर्स का आपको वारंटी मिलता है, जिसमें कि आपका पूरा गाड़ी कवर हो जाता है, जो इसके वाइटल कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है, जो कि मेन पार्ट्स हैं, इसके सेंसर्स वगैरह है इसका, वो सारा कवर हो जाता है। आप आगे भी 2 साल इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इस वारंटी को, तो 3+2 इयर्स 5 साल का आपको एक पूरा एक चैन का एक यू नो ओनरशिप एक्सपीरियंस मिलेगा ऑन द इलेक्ट्रिक ओला इलेक्ट्रिक S1 Pro। रिकन्फर्म करता हूँ कि आपको 30,000 नहीं 40,000 किलोमीटर्स का वारंटी मिलता है, नॉट 30, आई स्टैंड करेक्टेड, 40,000 किलोमीटर्स का वारंटी मिल जाता है आपको, 40,000 और 3 इयर्स, करेक्ट चेतन जी? टॉप पैनल लग चुका है, टेस्ट भी हो चुकी है, और लीवर इज ओके, बैक इन एक्शन, गाड़ी बाहर निकलेगी, एक टेस्ट रन करेंगे चेतन जी और हमें डिलीवरी दे देंगे वापस स्कूटर का। थैंक यू सो मच ओला फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड। गाड़ी रेडी है जाने के लिए बाहर वापस ऑन द रोड, हो गई है ये सर्विस, चेंज हो गया है इसका लीवर, काफी केयरफुली इसको निकालना पड़ता है, आप या मैं ये नहीं कर पाएंगे, चेतन जी को काफी एक्सपीरियंस है, आदत है रैम से नीचे जाने का। ये ट्रायल लेंगे और बताएंगे कि गाड़ी ऑलरेडी है या नहीं। ओके, थैंक यू चेतन जी, थैंक यू सो मच चेतन जी। अगर आपको कहीं मिले ओला के आपके सर्विस करते हुए, तो इनको एक थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि ये लोग होते हैं जो यू नो बिहाइंड द कर्टन होते हैं, जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपके गाड़ी को चुस्त रखते हैं और यू नो ऑलवेज रेडी रखते हैं। और ये है इनका ओला वैन, एक लास्ट टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पैकअप कर रहे हैं, रैप अप कर रहे हैं, इसी में सर्विस होता है, सर्विस ऑन व्हील्स। ऑल सेट टू गो, इनका नेक्स्ट सर्विस है, जो इनका कॉल है ये यहाँ पे जाएंगे, और एक और एक कोई कस्टमर होगा जो जो सर्विस की वेट कर रहा होगा, उनको हेल्प करेंगे, सपोर्ट देंगे ये। तो भाई ये था हमारा शॉर्ट वीडियो, जहाँ पे हमने आपको बताया कि ओला वाले कैसा सर्विस देते हैं ऑन व्हील्स, आपके घर आके आपको सर्विस देंगे, सपोर्ट देंगे। इनका सर्विस सेंटर भी है जहाँ पे आप जा सकते हो और सर्विस कर सकते हो, लेकिन हमने ये आजमाया कि इनका जो सर्विस है वो काफ़ी एफिशिएंट है, एंड जो इन्होंने प्रॉमिस किया है आपके घर पे आके आपको सर्विस ऑन व्हील्स देंगे, वो उन्होंने दिया है मेरे ओला S1 Pro को। तो मैं एक यू नो आई एम मोर देन हैप्पी, मोर देन थैंकफुल टू ओला इलेक्ट्रिक फॉर दिस सपोर्ट एंड सर्विस। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, अगर ये वीडियो आपके काम आया, आपको ओला S1 Pro या ओला S1 लेने में अगर आपको ये वीडियो हेल्प करे, तो हमें एक ज़रूर लाइक दीजिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी हिट कीजिएगा, देखते रहिएगा मोटर वर्ल्ड इंडिया फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोस। अगर आपको कोई कमेंट्स है तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा। रितेश मदोक साइनिंग ऑफ विद द S1 एंड द ओला टीम। ये चेतन जी हैं और अली जी हैं, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मोटर वर्ल्ड इंडिया।